हाय, मैं दीपाली, वेलकम टू माय न्यू चैनल आरजे वेडिंग स्पाइस। इसमें मैं शादी में जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं इसका मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, जो कि हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं उसमें वो हमें बहुत पसंद भी आते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है बनाने में और उसमें बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ होती है जो हमें कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है वो हमें समझ में नहीं आता। वीडियो बस देखते हैं लेकिन उसको बनाने का सोच कर भी बना नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि मैं भी वीडियो देखती हूँ तो मुझे भी पता है कोई भी चीज़ों को बनाता हो ये कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सोच सोच के फिर मैं सोचती हूँ नहीं बनाना। तो यही सोच के मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो घर की ही कुछ चीज़ें हो उसमें से हम बजट में अच्छी और बेहतरीन चीज़ें जो हमारी खुद की हाथ से बनी हुई हो वो कैसे बनाइए, स्टार्ट करते हैं। कार्डबोर्ड को इसके अंदर डालेंगे तो ये इजी हो जाएगा बहुत, इसको चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे डोली का जो दरवाजा होता है बीच में वो हम बनाएंगे, एकदम बीच में होना चाहिए ये। देखिए दोनों तरीके से हमने काट लिया है, इसके बीच में होना चाहिए, सेम यहाँ से भी इस तरीके से हमने ये ग्लू गन की मदद से चिपका दिया है। थोड़ा सा गंदा हो गया है, इसको साफ कर देंगे। वेडिंग कार्ड है इसको हम इसकी साइज से काट लेंगे इस तरीके से। ये दो सेम साइज के पेपर मैंने काट लिए हैं जो इसके दोनों बाजू में लगेंगे इस तरीके से। दोनों साइड से चिपकाने के बाद हमने बीच में होल करके ये जो पेपर की मैंने डंडी बनाई थी इसके ऊपर लेस लपेट के इसके दोनों के बीचों बीच में फंसा दी है, ऐसे नीचे से भी आई है, से यहाँ से इस साइड से अंदर डाल के यहाँ से मैंने बाहर निकाल दी है। अब उसके बाद चार मैंने ये बनाए हैं मोती, जिसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगी, एक छोटा और एक बड़ा इस तरीके से। डोली का डेकोरेशन पूरा रेडी है हमारा, इस तरीके से आप देख रहे हो। लेस लगाई है अलग अलग तरीके की, बॉर्डर पे मोती लगाए हैं और ये बहुत सारे जो स्टोन थे वो यहाँ पे लगा दिए हैं मैंने। इस तरीके से हमारी डोली रेडी हो गई है, फ्री रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैं ऐसे रखने वाली हूँ इसको। ये हमारी बहुत सिंपल तरीके से एक वेडिंग कार्ड की डोली तैयार हो चुकी है।
अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।